सेकंड मेथड ट्रिक के साथ दोस्तों, ये वीवो का फोन है, ये वीवो आपका Y11, Y15, Y16, Y17, Y12, Y18 और Y19, इतने सारे जो मॉडल है दोस्तों, इसमें आपका जो है सेकंड मेथड ट्रिक के साथ दोस्तों इसको हम लोग अनलॉक करेंगे। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर जो है पेटल आपको जो पता नहीं है, भूल गए हैं, तो आप इस तरह से टाइमिंग करेंगे तो यहाँ पर जो है टाइमिंग रिवीलिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ दोस्तों इसमें जो है यहाँ पर हम लोग अनलॉक करेंगे। आपको यहाँ पर इमरजेंसी में जाके यहाँ पर यदि कोई भी यहाँ पर कोड यदि इंटर करेंगे दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी कोड यहाँ पर इस तरह से वर्क नहीं करेगा। तो आपको इस तरह से कोई भी हिडन यहाँ पर कोड डाल के यहाँ पर जो है इंटर कर ले की आपको ज़रूरत नहीं है। जो डायरेक्ट और इजी मेथड है दोस्तों, उसी मेथड से दोस्तों हम लोग यहाँ पर अनलॉक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर यदि आपका इंटरफेस आ रहा है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों आपको पावर ऑन बटन को 5 से 6 बार आपको यहाँ पर प्रेस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर फर्स्ट ट्रिक यहाँ पर इस तरह से होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक दोस्तों इस तरह से ऑटोमेटिक होगा, ये आपका यहाँ पर होने देना है। और ये आपका ये फर्स्ट ट्रिक है दोस्तों। सेकंड ट्रिक आगे में आपको यहाँ पर बताएंगे। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से जब आपका यहाँ पर आ जाए तब आपको रेड बटन को प्रेस कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों पैटर्न जैसे कि तैसे ही है, यहाँ पर अनलॉक नहीं हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग हैं सिंपल तरीका से मोबाइल को यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर ऑफ जब हो जाए, ऑफ होने के बाद पावर ऑन अप बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे। इसको आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह से आपका रिकवरी मोड आपका यहाँ पर आ जाएगा। रिकवरी मोड आने के बाद दोस्तों वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है और पावर ऑन अप बटन को प्रेस करना है। इसको आपको प्रेस करते के साथ ही दोस्तों आगे में जो है आपका यहाँ पर फिर से वीवो लिखा हुआ आएगा और अगला स्टेप आएगा। दोस्तों एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिरी तक देखें, ताकि जो है फ़ोन जो है इजी तरीका से यहाँ पर अनलॉक आपका हो जाए। तो इस तरह से आने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। बहुत सारे ऑप्शन में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं जाना है दोस्तों। पहले आपको यहाँ पर चेक सिस्टम को यहाँ पर इनेबल करना है। इस तरह से चेक सिस्टम को यहाँ पर इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर चेकिंग का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। चेकिंग का यहाँ पर इस तरह से चेकिंग होता है, और चेकिंग होने के बाद ये पूरा चेक करेगा, और चेक करने के बाद ओके आएगा दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से चेक सिस्टम को आपको यहाँ पर करना है। चेक सिस्टम को इस तरह से आपका यहाँ पर चेकिंग होगा। चेकिंग यहाँ पर होने के बाद दोस्तों आपको फिर से जब पूरा चेकिंग हो जाएगा तब आपका यहाँ पर जो है आपको फिर से आपको ओके का ऑप्शन आएगा, तब ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपको इंस्टॉल सॉफ्टवेयर कनेक्ट टू द इंटरनेट, यहाँ पर आपको ओके का जो बटन है इसको आपको प्रेस कर देना है। इसको आपको जैसे ही प्रेस करेंगे जो है आपका यहाँ पर आगे में अलाउ करने का ऑप्शन वो आपका यहाँ पर आगे में आएगा। इस तरह से वीवो लिखा हुआ आ जाएगा दोस्तों, पावर बाय एंड्रॉयड, ये आपका आएगा और आगे में आपका अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। इस तरह से अलाउ का ऑप्शन आने के बाद दोस्तों आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है, और स्कैन वाईफाई, और इसको वाईफाई को आपको यहाँ पर कनेक्ट करके आपको अपडेट में यहाँ पर दे देना है। इसको आप जैसे ही अपडेट में देंगे दोस्तों, फोन आपका 9 रहे, 10 रहे, 11, 12, 13 में आपका यहाँ पर अपडेट यहाँ पर आपका हो जाएगा। अपडेट जब हो जाए दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर शुरू करना है। यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर जो है आपको मोबाइल को सिंपल तरीका से ऑफ़ कर देना है। अपडेट होने के बाद दोस्तों फिर से आपको स्टार्ट करने के बाद मोबाइल को यहाँ पर ऑफ़ कर देना है, और ऑफ जब हो जाए दोस्तों तो पावर ऑन अप बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। इसको आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों फिर से आपका रिकवरी मोड यहाँ पर आपका आ जाएगा। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर ऑन अप बटन इसको आपको यहाँ पर प्रेस करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपका वीवो लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद का जो यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर बताएंगे दोस्तों, आपको जो है आपको यहाँ पर लाइव आपको यहाँ पर सेकंड मेथड ट्रिक जो है आपको यहाँ पर करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको यदि आपने पहले आपने अच्छा से किया है तो आपका यहाँ पर 100% जो है आपका इनेबल ट्रिक यहाँ पर वर्क करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम दोनों फिंगर को एक साथ यहाँ पर हम लोग रखेंगे, और यहाँ पर आपको इसके बाद यहाँ पर यदि चेक सिस्टम आपका इनेबल हुआ है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर क्लियर डाटा जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर इनेबल यहाँ पर जो हो जाएगा। इस तरह से लाइट यहाँ पर जलने के बाद दोस्तों आपका क्लियर डाटा इनेबल यहाँ पर 100% हो जाएगा। ये आपका होने के बाद दोस्तों क्लियर केक को आपको यहाँ पर रिमूव कर देना है, जल्दी से आपको रिटर्न जाना है, और क्लियर ऑल डाटा में आपको यहाँ पर दोस्तों ओके यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन आया है उसको ओके कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेकेंड मेथड ट्रिक के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है 100%
आपका जो मॉडल है यहाँ पर, इस मॉडल में आपका 100% यहाँ पर अनलॉक यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर हम लोग आपको दिखाए दोस्तों। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह जानकारी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। इस तरह से होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है रिस्टार्ट का ऑप्शन, इसको आपको प्रेस कर देना है। इसको जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों, आपका फ़ोन जो है आपका 100% पैटर्न रहे, पिन रहे, पासवर्ड रहे, यहाँ पर 100% दोस्तों यहाँ पर आपका अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद आपको FRP का ऑप्शन यहाँ पर आता है। FRP का ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। स्टार्ट यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको चेकबॉक्स मिलेगा, इसको टिक करना है। इसको आपको यहाँ पर टिक करने के बाद आपको इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन का जो ऑप्शन है, इसको आपको प्रेस करना है और कंटिन्यू करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है दोस्तों। आपको नेक्स्ट करने के बाद गूगल सर्विस को